अस्सलाम वालेकुम। ये आ गए हम मरकज़ में और आपको दिखाते हैं इसका व्यू। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। ये मदरसा बना हुआ है इस साइड पे, और ये देखिए माशाल्लाह तो भाई बैठे हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी प्लेस। माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद। ये देखें, ये चेक करें व्यू मस्जिद का। ये चेक मस्जिद, माशाल्लाह कितनी प्यारी अल्लाह ने जगह बनाई हुई है। यहाँ पर लोग दीन का काम करते हैं। ये चेक करें, ये देखें लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है मस्जिद का, सुभान अल्लाह। ये चेक करें मस्जिद का व्यू। ये देखें, ये तीन भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह के दीन की बात कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे कितना प्यारा व्यू मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए सारा व्यू यहाँ पे जो है ना मस्जिद का है। ये चेक करें कितना प्यारा व्यू है। किस तरह लोग यहाँ पे कर लिया, अब हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद हम यहाँ पे नमाज पढ़कर तो उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू मस्जिद का, कितना वसी व्यू। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा व्यू है मस्जिद मरकज़ के अंदर। इसका बहुत ही बड़ा वसी इंतज़ाम किया गया है। ये आप मेरे चारों तरफ मस्जिद का ही हिस्सा देख रहे हैं, और ये जो जंगले की इस तरफ है ये भी मस्जिद का ही हिस्सा है। सिर्फ ये लोग लेटते हैं क्योंकि ये फ्री होती जगह, इसलिए। अब हम जो है ना कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, आपको कैंटीन का भी व्यू दिखाते हैं इंशाल्लाह मरकज़ के, और यहाँ का खाने का टेस्ट भी बताते हैं कि खाने का टेस्ट क्या है इंशाल्लाह। ये हम इनकी कैंटीन पे आए हैं और ये चेक करते हैं क्या क्या है खाने में। खाने में क्या क्या है, खाने में क्या है? चावल। ये क्या? चने। हलवा। ये हलवा है। ये कीमा। मुर्गी। ये हम। और ये आप हैं? हाँ, ये तरुआ है। माशाल्लाह ये दीन की खिदमत कर रहे हैं ये लोग, अल्लाह इनको। हम खाएंगे, कहाँ गया तुम्हारा? इस तरफ ये खीर है, ये खीर, और इस तरफ ये टोकन यहाँ से लेना पड़ता है। ये रेट लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। रोटियाँ दी जाती हैं माशाल्लाह। रोटियाँ दी जाती हैं और ये इनका दस्तरखान माशाल्लाह। ये है मेन्यू, दाल मुर्गी और रोटी।
ये इनका जो है ना फेवरेट जूस है। ये कितने का गिलास है? 20 का। ये इनका यार चेक करें, 20 रुपए में एक मीठा ग्लास आपको मिलता है। इस जमाने में आपको और क्या चाहिए? चेक कीजिए, मैं आपको पी के दिखाता हूँ कि मज़े का है या नहीं मज़े। इट्स सो अमेजिंग। ये इनके चावल और बहुत ही लजीज चावल। हमने खाना खाया, बहुत ही टेस्टी यार खाना था वैसे ना, बहुत ही मज़े का खाना। चावल भी इनके मज़े के हैं और मुर्गी भी खाई, वो भी मज़े की थी। नाजरीन आप भी यहाँ पे आएंगे ना खाना खाएंगे तो इनका खाना बहुत ही यार मज़े का वैसे। ये इनके ना मीठे पानी का सिस्टम है, यहाँ पे लोग मीठा पानी साफ शफाफ पीते हैं, फिल्टर लगा। ये देखें, यहाँ पे लोग बाहर के ममालिक से भी आते हैं, बड़े बड़े दूर के ममालिक से। ये हमारे भाई हैं, कौन से ममालिक से? योर कंट्री सिरालियोन इनकी कंट्री है। और ये इधर माशाल्लाह तबलीगी जमात में आए हैं और ये बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे। योर नेम? उमर फारूक माशाल्लाह, गुड नेम उमर फारूक, गुड नेम माशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने यहाँ पे देखा जी, तो गाइज हमने मरकज़ का व्यू किया, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने देखा यहाँ का बहुत प्यारा व्यू है और बहुत ही इनका खाना यार बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने खाया इनका खाना और आपको इतना सस्ता खाना जो बाहर से नहीं मिलेगा जो इनका खाना, और इतना लजीज यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे इनका खाना कितना लजीज है और इतना सस्ता खाना है। और नुमान भाई से भी पूछ लें, इन्होंने भी टेस्ट किया है, चावल भी इनके बहुत टेस्टी थे, इनका गोश्त भी टेस्टी था, इनकी रोटी। यार आपको बाहर से इतना सस्ता खाना नहीं मिल सकता और इतना लजीज भी नहीं, अगर सस्ता मिल भी जाए तो इतना लजीज नहीं हो सकता। इनका खाना बहुत ही टेस्टी था, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मरकज़ में आएँ, इज्तिमा में आएँ, अल्लाह के दीन के लिए आएँ और यहाँ पे आकर आप वीडियो बनाएँ और इनका व्यू करें कि ये कैसे कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कितने कितने माह से, कितने कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के दीन के लिए। तो आपको मरकज़ का व्यू कराया, अभी थोड़ा सा व्यू आपको और दिखाने वाला है, वो आपको दिखाते हैं। अंदर इनका मदरसा है और जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो आपको बाकी व्यू हम अभी दिखाते हैं, चलें। ये इनकी पार्किंग की जगह है, ये चेक करें आप, बहुत ही वसी पार्किंग बनाई गई है। जब इज्तिमा वगैरह होता है ना तब इधर बहुत ज़्यादा आवाम आती है।